नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी फ्रॉम डॉक्टर शालिनी होम्योपैथी क्लिनिक। हम माइंड सीरीज कर रहे हैं बाय डॉक्टर फिलिप मेम्बेली के बुक होम्योपैथी साइकोलॉजी पे। हम एक एक चैप्टर्स जो उन्होंने ड्रग पिक्चर्स दिए हैं वो हम पढ़ेंगे एंड उसको हिंदी में समझेंगे। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ये जो सीरीज़ है, ये जो पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों को, जो होम्योपैथी पढ़ रहे हैं उन बच्चों को, और जो होम्योपैथ हैं, ऑलरेडी एक्सपीरियंस होम्योपैथ हैं, उन सबको मन में रखकर किया है, ताकि जो बच्चे हैं वो फिलिप मेम्बेली की बुक अगर नहीं पढ़े हैं तो इस सेशन के द्वारा हम पढ़कर समझ सकते हैं। और जो होम्योपैथ हैं, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको एक टाइप ऑफ रिफ्रेशर मिलता है जब एक साथ पढ़ते हैं, तो वी लर्न अ लॉट। सो अभी तक हमने एल्बुमिना कम्प्लीट कर लिया, एनाकार्डियम हो गया है एंड अब अर्जेंटम नाइट्रिकम का चल रहा है। अर्जेंटम नाइट्रिकम का पार्ट वन है जो इस बिन डन। अभी आज हम पार्ट थ्री देखेंगे। अर्जेंटम नाइट्रिकम पार्ट थ्री में डॉक्टर फिलिप बेली ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, जो बाकी रिमेनिंग है उसके साथ अर्जेंटम नाइट्रिकम खत्म हो जाएगा। वो है द सोशल एनिमल एंड फिजिकल अपीयरेंस। सो जैसे कि अर्जेंटम नाइट्रिकम के बारे में बताया है पिछले दो पार्ट में हमने सीखा, वो बहुत ही इंपल्सिव कैरेक्टर के हैं, बहुत इरेटिक टाइप के हैं और बहुत लैटरल थिंकिंग, हट के सोचने वाले हैं। सो जब हेल्दी रहते हैं उनका जो हट के सोचना हमेशा लाभदायक रहता है। जैसे जैसे वो अपने इंसैनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, अपना आपा खोते जाते हैं, उनके जो हट के सोचने में कोई भी लिंक नहीं रहता, बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता। हमको समझ में आता है कि नहीं, दिमाग से कुछ प्रॉब्लम है। और यूजली वो छुपाते नहीं है ये सब चीज़ें, वो दिखाते हैं कि डिस्कस कर लेते हैं जब वो कॉन्फिडेंट होते हैं होम्योपैथ के साथ। उनके जो मन में जो डर बैठ जाता है कि नहीं, उनको पता होता है कि मैं मुझ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। एंड जैसे सारे जो मेंटल स्फीयर में, मेंटल कंडीशंस में जो अप्लाई करते हैं मेडिसिन, इंटेलेक्ट पे ज़्यादा उन पर हावी होता है रादर देन इमोशनल। सो इधर भी इंटेलेक्ट पे ही अफेक्ट करता है, उनके इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ पे अफेक्ट करते हैं। तो यही सब हमने सीखा है। आज देखते हैं, आज जो टॉपिक द सोशल एनिमल के अंदर उन्होंने क्या लिखा है। सम अर्जेंटम्स आर सोशल विल्स, अदर्स टेंड टू बी लोनर्स। कहते हैं कि कुछ अर्जेंटम्स होते हैं जो अच्छी तरह मिंगल करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा बहुत अच्छे विटी होते हैं, विटी यानी बहुत ही स्मार्ट होते हैं, तेज दिमाग के होते हैं एंड उनको हर चीज़ दिमागी तौर पर उनको सॉल्व करना, चुटकुले सुनाना, वैसे टाइप बहुत जल्दी आ जाता है। बल्कि कुछ और होते हैं जो अकेला रहना ही पसंद करते हैं। Most are relatively open, often to the point of appearing innocent, again like phosphorus. जैसे हमेशा phosphorus का comparison होता है इनका, पिछले बार भी हुआ था, पिछले parts में भी हमने discuss किया है। Argentum has a bright childlike curiosity and tends to lack social inhibitions. जो Argentum होता है वो बहुत ही childlike curiosity है और social inhibitions है। Inhibitions यानी रुकाव, कहाँ रुकना है वो नहीं पता उनको, like phosphorus. He is liable to strike up conversations with strangers using cues in the immediate environment to lead into topics which interest him. वो ऐसे कि देख, strangers हैं, जान पहचान के लोग नहीं हैं, लेकिन ऐसे बात कर लेंगे जो बात करने जल्दी मिंगल होने वाले टाइप ऑफ अर्जेंटम्स है। जो टॉपिक उनको सामने दिख रहा है, जो उनके दिमाग को एकदम से स्ट्राइक करता है, उस टॉपिक पे उनके इंटरेस्ट के ऊपर वो बात करना चालू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट बिगिन्स टू रेन whilst he is standing at a bus stop, he may comment to the stranger next to him, I knew it was going to rain. I have noticed that the birds in my garden don't sing in the morning when it's going to rain. How do you think they know? तो मैंने एग्जाम्पल बताया कि अगर एक अर्जेंटम पेशेंट बारिश में बस स्टॉप पर खड़ा है, तो जानना पहचान अनजान व्यक्ति उसकी साइड में है, उससे एकदम से बात करने लगेगा और बोलेगा कि मुझे पता था आज बारिश होने वाली है। मैंने हमेशा देखा है कि मेरे जो बगीचे में जो चिड़िया आती है ना, वो सुबह सुबह गाती नहीं है जिस दिन बारिश होने वाली है। उनको कैसे पता होता है कि बारिश होने वाली है? बिकॉज ऑफ हिज एक्सेंट्रिसिटी, अर्जेंटम में फाइंड इट हार्ड टू मेक फ्रेंड्स। अब ऐसे जब अजीब सी बात करेगा तो उसको दोस्त मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो ये कह रहे हैं कि दोस्त जल्दी मिलते नहीं है। ही इज़ नॉट पर्टिकुलरली शाई अनलेस ही हैज़ बिकम फियरफुल इन जनरल, बट ही मे हैव डिफिकल्टी फाइंडिंग फ्रेंड्स हु आर नॉट पुट ऑफ और इंटिमिडेटेड बाई स्ट्रेंज आइडियाज एंड फोर्थ राइट मैनर कैंट इन डिस्क्रेशन। ऑन द अदर हैंड, ही मे बी अप्रिशिएटेड बाई हिज फ्रेंड्स एंड पार्टनर फॉर दिस वेरी क्वालिटीज। सो कह रहे हैं कि इनकी इसकी जो अलग ढंग से बात करने का, अलग ढंग से रिलेट करने का ढंग सबको पसंद नहीं आता है, सबको समझ नहीं आता है, और कोई कोई को बोलता है ये हमारे बस की बात नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो इसलिए दोस्त बनाना मुश्किल है। और
वो यूजली वो हिचकिचाता नहीं है अनलेस एंड अनटिल उसको किसी बात का डर हो, वो स्टेज में वो डर के स्टेज वो क्रॉस करता है. तो ये जो चीज़ उसको दोस्त नहीं बनाते वही चीज़ उसके सच्चे दोस्त और उनके जो पार्टनर होते हैं उसको भाते हैं. मतलब यही जो चीज़ें जो उसकी एक्सेंट्रिसिटी है, उसका जो अजीब अजीब कनेक्शन है, वो जो जानना पहचान लोगों को डरा देता है भाई कौन है कौन है. लेकिन वही चीज़ उसके जो अच्छे दोस्त होते हैं और जो उनकी पार्टनर होती है उनको वो बहुत अच्छा लगता है. कितना दिल का बोलता है, दिल का साफ है, मुँह पे बोल देता है ऐसा. अनलाइक फॉस्फोरस अर्जेंटम टेंड्स टू बी इंडिपेंडेंटली माइंडेड. तो फॉस्फोरस को क्या है, इम्प्रेशनेबल है, हमने पहले बताया, यानी उसको किसी और का सोच उसके सोच के साथ मिलाप करना है कि वो सही सोच रहा है नहीं सोच रहा है, उसको सपोर्ट चाहिए. बट यूजली अर्जेंटम वैसा नहीं, वो सिर्फ बहुत ही मेंटल अनस्टेबल माइंड में वो इंप्रेशन में मांगता है किसी से, स्पेशली कोई प्रेजेंटेशन करना जाता है उसे एंग्जाइटी होती है ना, तब जाके उसको मोरल बूस्ट करने की जरूरत पड़ती है. अदरवाइज जो फॉस्फोरस होता है वैसा नहीं है. सो अर्जेंटम यूजली इंडिपेंडेंटली सोचता है अपने आप का, अपना दिमाग उसको पता है मुझे क्या करना है. द अर्जेंटम वाइफ इज लाइबल टू हैव इंटरेस्ट ऑफ हर ओन एंड विल नॉट माइंड दैट हर हस्बैंड डज नॉट शेयर दैट. जो अर्जेंटम अगर वुमेन है, लड़की है, औरत है, अगर वो पत्नी है तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं है कि उसको पति को उसकी इच्छा अनिच्छा है ही नहीं, शेयर नहीं कर रहा है कि मुझे जो पसंद है वही उनको पसंद है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये उसको प्रॉब्लम ही नहीं है. अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है तो भी चलेगा वैसे. टेक केयर, शी इज हर ओन पर्सन विथ हर ओन ओपिनियंस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, एंड शी विल नॉट डिपेंड अपॉन अदर्स अनड्यूली फॉर हर सेंस ऑफ आइडेंटिटी. सो वो जो अर्जेंट वुमन लड़की होती है, औरत होती है, वो अपनी इंसान होती है, उसके अपने ओपिनियन होते हैं, अपने सुझाव होते हैं, अपने ही पसंद नापसंद होते हैं, एंड उसको अपनी जो व्यक्तित्व है उस पर उसको पूरा विश्वास होता है. द रिलेटिवली हेल्दी अर्जेंटम इंडिविजुअल नोज वॉट शी थिंक्स एंड इज लायबल टू स्टिक डॉगेडली टू हर व्यूज, गेट्स ऑब्स्टिनेट. जो अच्छे हेल्दी अर्जेंटम है उसको अच्छी तरह पता है कि वो क्या सोचती है, क्या चाहती है, और वो बहुत जिद्दी है और अड़ेल है उस मामले में. तो कैंट ने उनको उसी के अंदर डाला है, रूब्रिक ऑब्स्टिनेट के अंदर ही उन्होंने मैंशन किया है. Rather like sulfur, तो sulfur की जैसे वो थोड़ी बहुत जिद्दी है. Like sulfur, most Argentines enjoy expressing their ideas, but they are seldom as loquacious as a sulfur in full flow. So sulfur को भी बहुत ही philosophical mind है, sulfur का philosophical mindset है, वैसे ही Argentine को भी पसंद है. पर sulfur ना बहुत loquacious है. loquacious का मतलब क्या है, जो बहुत बात करता है, जो बोलता रहता है अपने टॉपिक पे, बोलते ही रहेगा बोलते रहेगा बोलते रहेगा, उसको हम लोकेशियस कहते हैं. सो अर्जेंटम को एक्सप्रेस करना पसंद है, पर सल्फर के जैसे उतनी बातों नहीं है वो. हाउएवर व्हेन अर्जेंटम बिकम्स फियरफुल हर थॉट्स मे बिकम ऑब्सेसिव एंड हर कन्वर्सेशन विल देन रिफ्लेक्ट दिस. कैन टॉक्स ऑन वन सब्जेक्ट, लैकसिस टॉक्स ऑन मल्टीपल सब्जेक्ट, जंप्स फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर, है ना. लैकसिस जो मेडिसिन है वो एक सब्जेक्ट पे नहीं होता, वो कूदता रहता है, रिलेशन ही रहता है, क्या बोल रहे हैं, कहाँ जा रही है, फिर कहाँ जा रही है, वैसे कूदते रहेंगे. एक उसको एंडिंग के पहले दूसरा टॉपिक मिलता है. जब अर्जेंटम डर जाती है, फिर डर के अंदर रहती है, फिर उसको बहुत ही अनस्टेबल माइंड होता है, तो जो बात करती है वो एक टॉपिक पे बात करती है और बोलती रहती है, बिल्कुल ऑब्सेसिव एकदम अटक के बात करती रहती है उसी टॉपिक पर. ऑल्सो इट इज़ व्हेन अर्जेंटम इज एंशियस दैट शी फील्स द नीड फॉर कंपनी एंड द नीड टू टॉक. जब वो एंशियस होती है, जब उसको टेंशन होता है, तब उसी उसी से बात करना पसंद है. एंड तभी उसको चाहिए, किसी की जरूरत तभी होती, नहीं तो खुद अपने में खुद खुश है, जैसे पहले पता है, खुद कॉन्फिडेंट है अपने में. कैंट कंपनी डिजायर फॉर एंड डिजायर्स टू टॉक टू सम. कैंट ने मेंशन किया है कंपनी की जरूरत है उस रूब्रिक में, एंड किसी से बात करने का भी डिजायर है उस रूब्रिक में, डिजायर नहीं चाह. दोस अर्जेंट ऑफ इंडिविजुअल हु डू बिकम लोनर्स डू नॉट यूजली डू सो आउट ऑफ चॉइस, but rather because they have been unable to find a comfortable niche in society where they feel accepted. अर्जेंटम जैसे हमने क्या पहले कहा, वो सोशल मिल भी है, जिनको सोसाइटी में लोगों से मिल भी करना पसंद है, और अकेले भी है. ये आप कह रहे हैं जो अकेले हैं वो अपनी इच्छा से अकेले नहीं रहते, उनकी मजबूरी ये है कि उनका जो सोच समझाव, उनके बात करने का ढंग, उनके मुँह में बोलने का ढंग, या फिर उनके हट के सोचने का ढंग, उनको सोसाइटी में समाज में वो एक्सेप्टेंस नहीं मिला, उनको उनको वो क्या बोलते हैं, अपनापन महसूस नहीं हुआ अपने समाज में, सो इसलिए वो अपने आप में ही रहते हैं. आई हैव फाउंड अर्जेंटम टू बी रफली इक्वली कॉमन इन बोथ सक्सेस. कहते हैं कि दोनों मेल फीमेल दोनों में उनको ही कॉमनली दिख रहा है.
In partnership, Argentum needs to be romantic and the libido is usually high. जब वो एक पार्टनर के साथ रहते हैं वो बहुत रोमांटिक होते हैं एंड उनको जो सेक्शुअल लिबिडो है, सेक्शुअल चाह है, वो अच्छी, काफ़ी अच्छी रहती है, हाई रहती है. Argentum is a fascinating constitutional type. It is easily missed when the pathology is mainly on the physical plane, since the more unusual mental features which are well known may be absent. So Argentum जो है बहुत ही खूबसूरत मेडिसिन है, बट वो जल्दी हम मिस कर लेते हैं क्यों, जब वो फिजिकल प्लेन में उसके कंडीशंस आते हैं, क्योंकि जो मेंटल कंडीशंस तब दिखाई नहीं देते, जो अनयूजुअल मेंटल कंडीशंस है ना, जैसे फियर ऑफ हाइट तो है ही, बट नीचे से ऊपर देखते हो जो डर लगता है, वैसे वैसे कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, हर चीज़ का फियर रहता है. तो ये सब चीज़ हमने पार्ट प्रीवियस पार्ट्स में हमने किया है, वो सारी जो अनयूजुअल चीज़ें हैं ना वो इसमें मिसिंग रहते हैं, और जो अटपटान सब का जो कनेक्शन होता है वो सब मिसिंग रहेगा, क्योंकि फिजिकल में रहेगा, हम फिजिकल को ट्रीट कर रहे होते हैं. सो वो उतना प्रोमिनेंटली उनको भी याद नहीं रहता, अनलेस एंड अनटिल हमने स्पेसिफिकली उनसे बोला, पूछा हो, क्योंकि यूजली वो स्पेसिफिसिटी में जाते नहीं है, बट अगर पूछेंगे तो उसको हम वो डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं. सो द इट इज द मेंटली हेल्दी Argentum इंडिविजुअल इज ब्राइट, क्यूपिटेड एंड समवॉट एक्सेंट्रिक एंड इज मोर इंटेलेक्चुअली ओरिएंटेड दैन द एवरेज फॉस्फरस and less egotistical than the average sulfur. So हमेशा phosphorus sulfur के बीच में हम लोग ये शक्ल खेल रहे हैं. सो जो ये बता रहे हैं कि Argentum जो व्यक्ति है, जो हेल्दी Argentum है, बहुत तेज दिमाग का है, जल्दी सोचने वाला है, थोड़ा हटके है, इंटेलेक्चुअली शार्प phosphorus से, और जो ईगो, खुद का जो अहम भाव है वो सल्फर से कम, इसके बीच में आता है. Final thought, physical appearance. Argentum generally has a slim, wiry physique. The complexion may be fair or dark. In keeping with the intellectual nature of Argentum, the facial features tend to be angular rather than round. And the eyes often have a sharp electrical quality about them. ये कहते हैं वो बहुत ही पतले दुबले रहते हैं, थोड़े डार्क भी हो सकते हैं, गोरे भी हो सकते हैं, और उनके दिमाग के ऊपर से उनके जो फेस का ऑलमोस्ट एक एंगल सा आता है, राउंड से ज़्यादा, और जो आंखें बड़ी तेज होती, चमकीली आंखें होती, एकदम वो बिल्कुल शार्प होते ना, जो गरुड़ की जैसे आंखें थे. द फेस टेंड्स टू लुक यंगर दैन इट्स इयर्स एंड देर आर ऑफ्टन फाइन लाइन रिंकल्स और लाफ्टर लाइन्स रेडिएटिंग फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द आईज. सो जो उनका चेहरा जो होता है उनके एज से कम दिखते, छोटे दिखते हैं, एंड उनके आंख के साइड में छोटे छोटे लाइन्स जो रिंकल्स होते हैं ना, छोटे छोटे लाफ्टर लाइन्स हंसते हुए जो दिखते हैं वो सब क्लियरली दिखता है. द फेस इज जनरली ब्रॉड रिफ्लेक्टिंग द ओपननेस ऑफ द पर्सनैलिटी एंड Argentum's ड्रेस सेंस इज ऑफ्टन क्वाइट अनकन्वेंशनल. जो चेहरा होता है वो बड़ा सा होता है, जो उनकी जो ओपन टेंडेंसी होती है ना उसको मायने रखकर, क्योंकि उनका सेंस ऑफ स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है. पहले पार्ट में मैंने बताया कि वो थोड़ा क्या बोलते हैं, मिसमैच रहेगा, लेकिन लॉजिकल मिसमैच रहेगा, ऐसा रहेगा नहीं क्या क्या अच्छा है, वैसे टाइप का ड्रेसिंग सेंस रहता है हमेशा उनका. सो इसके साथ हमारा Argentum nitricum सेशन खत्म हो गया है. हम अगले पार्ट में वी विल स्टार्ट विद आर्सेनिक एल्बम. सो आर्सेनिक एल्बम तो हम हर दिन किसी न किसी पेशेंट को कहीं ना कहीं हम देते ही रहेंगे. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग रेमेडी आर्सेनिक एल्बम, बहुत बड़ा भी दिया है सर ने इसके अंदर. सो शायद इसको हम 3-4 पार्ट में करेंगे कल के लिए. आई मीन नेक्स्ट सेशन में हम लोग फेस्टिडियसनेस आर्सेनिक का, जो बहुत फेमस है, उनको साफ सफाई की बहुत 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 पसंद करते हैं, और शायद हो सके तो फिजिकल इनसिक्योरिटी के पार्ट को भी हम उस पार्ट पर में कवर करेंगे. सो डू विजिट, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ जानना हो फर्दर, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको समझने की और आपको रेस्पॉन्ड करने के लिए. लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने जान पहचान के जो होम्योपैथ हैं या फिर होम्योपैथिक पढ़े स्टूडेंट्स हैं, सो दैट उनको भी बेनिफिट हो. सो अंटिल द नेक्स्ट सेशन विथ आस आल पार्ट वन, आप ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा. धन्यवाद.